हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर, जिसमें पनीर भी हमने घर में ही बनाया है। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम मटर पनीर किस तरीके से बनाएंगे। काफ़ी सिंपल इंग्रेडिएंट्स रहने वाला है, तो चलिए इसको स्टार्टिंग करते हैं पनीर को कट करने से। फ्रेश पनीर ले लीजिए, इसे जिस शेप का आपको मन काट लीजिए, बड़ा छोटा मोटा जैसे मन करे वैसे काट लीजिए इसको। पनीर को हम बिल्कुल ध्यान से काटेंगे। और दोस्तों, पनीर ज़्यादा मोटा मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो है ज़्यादा मोटा रहने से अंदर पैन में ऑयल को गरम करेंगे। आप इसमें बटर या फिर रिफाइंड ऑयल किसी भी तेल का यूज कर सकते हैं। इसमें हम हल्का सा पनीर को भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, बस ब्राउन करेंगे। ज़्यादा मैंने पनीर को नहीं पकाया है, बिल्कुल हल्का सा। अब चलिए आगे की प्रोसेसिंग देखते हैं। पहले की कढ़ाई में हम ऑयल को गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए, इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च को डाल देंगे। देखिए काफी नमी छोड़ दिया है टमाटर और मटर ने। अब हम इसे हल्का सा तेज आंच करके चलाएंगे इसको। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्का सा हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पाउडर। ये सारे मसाले हो गए हैं। आप चाहे तो इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने बहुत ही कम मसाले बनाए हैं। अब दोस्तों, इसे देखिए तेल देखिए क्या
अच्छे से भून जाएगा तो तेल बाहर आने लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अब दोस्तों हम इसमें पानी डालेंगे हल्का सा, ताकि मटर जो है काफ़ी अच्छे से मुलायम हो जाए और मसाले जो है वो भी पक जाए। तो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें हल्का सा जो है चिकन मसाला डालेंगे, या फिर आप इसमें गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों इसको अच्छे से उबाल आने दीजिए, तेज आंच कर दीजिए, अच्छे से उबाल आने दीजिए और जब पानी हल्का सा बच जाए तभी हम इसमें पनीर को डालेंगे। ज़्यादा पानी रहे तो नहीं डालना है, हल्का सा पानी बचिए उसके बाद हम इसमें पनीर को ऐड कर देंगे और 5 मिनट तक कुक करेंगे। दोस्तों अगर आपको सूखा पसंद है तो सूखा रखें, अगर आपको थोड़ा सा पानी भी चाहिए तो आप इसे बंद कर सकते हैं गैस को। अब हमारी मटर पनीर जो है तैयार हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। अगर आप चाहें तो इसमें धनिया की पत्ती डाल सकते हैं।